चलिए आज हम यह जो बहुत ही स्पेशल वीडियो है इसकी शुरुआत करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत हम एक नोट से करना चाहेंगे जो कि इस प्रकार से है कि डेथ मे हैव टेकन यू अवे फ्रॉम अस बट इट कुड नेवर टेक अवे योर मेमोरीज। यू विल ऑलवेज बी इन आवर हर्ट इन योर ओन स्पेशल प्लेस रेस्ट इन पीस। यह जो नोट है एक बहुत ही बेहतरीन और उम्दा कलाकार यानी इरफान खान जी के लिए है जिनका 29 अप्रैल को स्वर्गवास हो चुका। इरफान खान के बारे में बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वह एक बहुत ही उम्दा और बेहतरीन कलाकार हैं। कलाकार एक ऐसा व्यक्ति जो हम जैसे आम व्यक्ति जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से परेशान होकर जब अपने मन को बहलाना चाहते हैं तो एक मोबाइल के स्क्रीन या टीवी के स्क्रीन के सामने बैठते हैं, तो यह जो कलाकार है वही हमें इस दुख की घड़ी में या फिर हमारी जो सुख की घड़ी होती है इसे 50 से 100 गुना तक आगे बढ़ाती है। यह कलाकार कभी अपने आंसुओं से हमें रुलाते हैं तो कभी अपने हंसी के साथ हमारे जीवन में हंसी की मीठी सी गोली घोल जाते हैं। तो इस वीडियो की हम इसी नोट से शुरुआत करते हैं। हम इस वीडियो में देखेंगे इरफान खान से संबंधित उनके जीवन काल, उनकी जीवन शैली और कुछ उम्दा फिल्म की भी बात करें। आप देख रहे हैं इस वक्त GS पाठशाला। आइए हम शुरुआत करते हैं बायोग्राफी ऑफ इरफान खान। सबसे पहले आपको बता दें कि इनका पूरा नाम साहबजादे इरफान अली खान है। इनका जन्म 7 जनवरी को हुआ था 1967 को और उनका जो देहांत है वह 29 अप्रैल 2020 को हुआ। यह एक भारतीय अभिनेता है। इन्होंने ब्रिटिश और अमेरिकी फिल्मों के अलावा हिंदी सिनेमा में भी काम के लिए इन्हें बहुत ही जाना जाता है क्योंकि यह एक उम्दा एक्टर हैं। यह हीरो नहीं, इन्हें एक एक्टर कलाकार के रूप में जाना जाता है। भारतीय सिनेमा में एक यह बहुत ही बड़ा नाम है और इन्हें इनकी कलाकारी के लिए बहुत बार बहुत सारे सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। आपको बता दें कि भारतीय सिनेमा में इनका 30 वर्षों का पूरा करियर था जिसके तहत उन्हें कई पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है जैसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, एशियाई फिल्म पुरस्कार और 4 बार फिल्म पुरस्कार भी शामिल है। उन्हें 2011 में चौथे सबसे सर्वोच्च भारत का जो सम्मान है सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है उनकी एक्टिंग के लिए और कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन को देने के लिए। हम कुछ और पॉइंट्स को देखेंगे। जो इरफान खान जी हैं इन्होंने सलाम बॉम्बे में एक छोटी सी एक्टिंग के जरिए छोटी सी भूमिका के जरिए अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी जो कि 1988 में आई थी। यह उनके स्ट्रगल टाइम का पीरियड था। इसके बाद आपको बता दें कि उनकी एक ब्रिटिश फिल्म द वॉरियर जो कि 2001 में आई, उसके बाद 2003 में ड्रामा उन्होंने अपने ड्रामा में भी हासिल की और जिसमें मकबूल 2004 में अभिनय किया। हम देखते हैं उनकी जो कुछ बहुत ही बेहतरीन फिल्में हैं जैसे नेम सेक, मेट्रो, उसके बाद लंच बॉक्स, पान सिंह तोमर और तलवार। तो यह कुछ उनकी बहुत ही बेहतरीन और उम्दा फिल्में हैं। अलावा अगर हम बात करें तो वर्ल्ड 2015, इन्फार्नो 2016 और उनकी कुछ बहुत ही उल्लेखनीय जिसमें उन्होंने बहुत ही उम्दा एक्टिंग दिखाई है, उल्लेखनीय भूमिका निभाई है, स्लम डॉग मिलीनियर 2008 में आई थी, न्यूयॉर्क 2009, हैदर 2014 और टेलीविज़न पे भी इन्होंने बहुत सारा यानी जो टीवी सीरीज़ होती है इस पर भी इन्होंने काम किया है। इनकी एक टीवी सीरीज 2010 में भी रिलीज़ हुई थी। इन्हें इनकी कॉमेडी, ड्रामा, सस्पेंस, ग्रे शेड वाले जितने भी रोल होते हैं उन्हें इसके लिए जाना जाता है। इन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता है और उनकी जो अंतिम फिल्म थी जो हिंदी मीडियम जो मूवी आई थी 2017 में उसका ही सीक्वल था अंग्रेज़ी मीडियम जो कि उनकी बोल सकते हैं उनके जीवन की या फिर जो उनके बॉलीवुड करियर है उसकी अंतिम फिल्म जो कि 2020 में आई थी। हम बात करते हैं जैसा कि हमने कहा कि उन्हें 2011 में एक नेशनल राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला और इसके आगे हम देखें उन्हें 2007 तक कई फिल्मों में काम किया और ओवरऑल जो बॉक्स ऑफिस पर है उन्होंने
$3.6 बिलियन की कमाई भी की। 2018 में उन्हें न्यूरोडोक्राइन ट्यूमर का पता चला, जिसके कारण वह तभी से उनकी हालत गंभीर है। 29 अप्रैल 2020 को उन्हें इस संक्रमण के कारण 53 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। द गार्डियन के खान ब्रेटसा द्वारा, जो इरफान खान है, उन्हें हिंदी और अंग्रेजी भाषा की फिल्मों में एक बेहतरीन सितारा, चमकता हुआ सितारा के रूप में वर्णित किया गया है, जिनकी मेहनती करियर दक्षिणी एशियाई और हॉलीवुड सिनेमा के बीच एक बहुत ही बड़ा मूल्यवान पुल की तरह काम किया है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और हम यह उम्मीद करते हैं कि वह जो भी जहाँ भी रहें उनकी आत्मा को शांति मिले और वह हमारी यादों में हमेशा तरोताज़ा रहें। उनका जो भी अभिनय है, जो भी उम्दा प्रदर्शन है, उसके जरिए वह हमारे साथ सालों साल यूं ही चलते रहें। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम किसी और वीडियो में आपके साथ। अगर आप यह वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, इसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं इस एड्रेस पर जाकर। अगर आप यह वीडियो Facebook पेज पर देख रहे हो तो इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सभी अदर सोर्स के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप अमित सरकवान अकेडमी पर फॉलो कर लें इस लिंक पर जाकर। अगर आप किसी भी कोर्स को खरीदना चाहते हैं तो अमित फॉर GSP का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। धन्यवाद।